Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Assalamu alaikum. This is Meera Mehsaadat Khan. I hope you all are doing great. अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो go and watch them. So आज मैं बहुत ही special challenge करने जा रही हूँ with one of my very good friends, that is Sparkling Girl. We are doing a collab video और इसके अंदर हम लोग एक challenge करने जा रहे हैं जो आपको Sparkling Girl explain करेंगे. Over to you. ओके सो ये जो चैलेंज है ये है टंग ट्विस्टर चैलेंज. इसमें मेरे पास 5 चिट्स हैं, रोमैसा के पास 5 चिट्स हैं. तो इसमें से हम चिट्स पिक करेंगे और जो चिट मुझे आए वो रोमैसा 5 बार बोलेंगी जल्दी जल्दी. और अगर उन्होंने सही नहीं बोला तो उन्हें ट्रुथ या फिर डेयर बताना पड़ेगा. और अगर मैंने सही नहीं बोला तो मुझे बताना पड़ेगा. ओके सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. तो प्रिया पहले मैं उठाऊं? तो प्रिया मैंने चेंज करी है चिट्स. ओके सो द फर्स्ट वन इज समझ समझ के समझ को समझो. समझ समझना भी एक समझ है. समझ समझ के समझ को समझो. समझ को समझना भी एक समझ है. समझ समझ के समझ को समझो. समझ समझना भी एक समझ है. समझ समझ के समझ को समझो. समझ समझना भी एक समझ है. कितनी बार बोले? 3 बार बोले? 5 बार? 5 बार. समझ समझ के समझ को समझो. समझ समझना भी एक समझ की बात. ओके समझ समझ के समझ को समझो. समझ समझना भी एक समझ की बात है. समझ समझ के समझ को समझो. समझ समझ है बोला. समझ समझना भी एक समझ की बात है. ठीक है अब देना है कुछ ट्रुथ या डेयर. ये मुश्किल है. ट्रुथ. अच्छा मैंने एक क्वेश्चन में बाद में आ रहा था कि हु वाज योर इंस्पिरेशन टू टिकटॉक. एक्चुअली इंस्पिरेशन कोई नहीं था तब. जो है ना लाइक मेरी जो है ना इतनी ज्यादा एज नहीं थी और मैं तब ना बहुत बोर होती थी तो मैं बहुत घटिया से टिकटॉक बनाती थी. उसके बाद ना मैंने अपनी सारी घटिया से टिकटॉक मतलब डिलीट कर दी. उसके बाद मैंने रीस्टार्ट किया और फिर इंस्पिरेशन तो नहीं लेकिन मैंने जो है ना लाइक उन लोगों को देखती थी. वो लोग जो नहीं है एक्टर्स लाइक जिनको पॉपुलर क्रिएटर मिला हुआ था उनकी वीडियोज देखती थी. उनकी वीडियोज बहुत अच्छी होती थी तो मेरा भी दिल चाहता था. पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला. 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 नो ट्रुथ नो डेयर. मैंने पहले बोला था मैं कोई ट्रुथ नहीं बताऊंगी अपनी जिंदगी का. तो अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट. ये बहुत ही आसान होने वाला है मैं बता रही हूँ. यस नजर ने नजर को नजर भर के देखा. नजर की नजर को नजर लग गई. ये चीटिंग है यार. तुम सारे मुश्किल लिख कर आई हो. नहीं है. नजर ने नजर को नजर भर के देखा. नजर की नजर को नजर लग गई. दो बार बोलो. नजर ने नजर को नजर भर के देखा. नजर की नजर को नजर लग गई. नजर ने नजर को नजर भर के देखा. नजर की नजर को नजर लग गई. नजर ने नजर को नजर नजर ने नजर को नजर भर के देखा. नजर की नजर को नजर लग गई. दोबारा. नजर की नजर को नजर लग गई. नजर या शुरू से बोलो. नजर ने नजर को नजर भर के देखा. नजर की नजर को नजर लग गई. नजर की नजर को नजर भर के देखा. नजर की नजर को नजर लग गई. नजर की नजर को नजर भर के देखा. नजर की नजर को नजर भर के देखा. नजर ने नजर को नजर भर के नजर ने नजर को नजर भर के देखा. नजर की नजर को नजर लग गई. नजर ने नजर को नजर भर के देखा. नजर की नजर को नजर लग गई. नजर की नजर के नजर ने नजर भर के देखा. हो गया हो गया हो गया. अच्छा अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज योर इंस्पिरेशन फॉर यूट्यूब. कितनी इंस्पिरेशन होगी. अच्छा एक्चुअली जो ना पहले जो है मैंने सोचा नहीं था कि मैं क्या करूंगी. उसके बाद जो है ना मुझे रोस्ट करने का शौक था लेकिन मैं रोस्ट कर नहीं सकी बिकॉज मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ. लेकिन अगर मैं रोस्ट करती तो मेरा इंस्पिरेशन बिल्कुल कैरी मिनाटी और डक्की भाई होते. लेकिन अभी जो है मेरा इंस्पिरेशन कोई नहीं था क्योंकि मैंने ऐसी वीडियोस बनाते हुए किसी को नहीं देखा था. लेकिन 3 तेगाड़ों को मैं देखती थी थोड़ा बहुत. तो 3 तेगाड़ों को कह सकते हैं. अब उठाओ यार एक दो गलत कर लो.
आते जाते जाते आते जाते जाते आते आते दोबारा रिपीट करो आते जाते जाते आते जाते जाते आते 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 जाते जाते नहीं आते जाते 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 आते 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 जाते जाते आते जाते जाते आते 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 जाते आते जाते जाते आते जाते जाते आते 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 जाते जाते आते जाते जाते आते 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 जाते जाते आते जाते जाते नहीं नहीं गलत कर दिया चलो ठीक है तो अप्रोप्रिएट क्वेश्चन मैं भी सही हूँ तुम्हारा इंस्पिरेशन कौन था यूट्यूब के लिए हुआ जो इंस्पिरेशन के लिए अभी कुछ फीमेल यूट्यूबर्स और कुछ मेल यूट्यूबर्स को जिनको मैं देखती हूँ वो है एक मारुख सेठी है एक है मोमिना मुनीर तो बेसिकली मारुख सेठी बिकॉज मैं मारुख सेठी और जैनब फातिमा उन दोनों को मैं बहुत पागलों की तरह फॉलो करती हूँ तो उन दोनों की वीडियोज ने मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया मतलब बिल्कुल सिंपल वीडियोज होती हैं अपने कमरे में वीडियो बनाती है और यार शी हैज हिट 53K मतलब आला वीडियोज होती हैं तो वही मेरी इंस्पिरेशन I wish you were a fish in my dish. गाने गाए लाए गाए हाय गाए गाने गाए लाए गाए हाय गाए नो ट्रुथ मैं नहीं बताऊंगी कुछ अच्छा नेक्स्ट है लड़की ने मकड़ी को लकड़ी से मारा लड़की ने मकड़ी को लकड़ी से मारा किसने लड़की ने मकड़ी को लकड़ी से मारा 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 लड़की ने मकड़ी को सही है गुड चलो ये लड़खड़ाकर फड़फड़ाकर खड़खड़ाकर लड़खड़ाकर खड़खड़ाकर फड़फड़ाकर लड़खड़ाकर खड़खड़ाकर टिकटॉक क्यों नहीं पोस्ट करे तुम्हारा अकाउंट प्राइवेट क्यों है मेरा अकाउंट प्राइवेट क्यों है अच्छा बस क्या बस यार क्या मैं नहीं बताऊंगी मेरा अकाउंट प्राइवेट है मुझे पोस्ट नहीं करना मैं दिल्ली जाता बहुत हेट कमेंट्स आएंगे मैं अच्छे नहीं बनाती वो तो वो भी मैंने भी YouTube वीडियो जब बनाना शुरू की थी ना मैंने पहले ये सोचा था कि मेरी आवाज इतनी गंदी आती है YouTube वीडियो में इतने हेट कमेंट्स आने हैं फिर मेरे जो है ना मेरे कजिन मेरे सब लोग बोलते थे कि आवाज का कुछ नहीं होता तुम बस वीडियो बनाओ अच्छी होती है कंटेंट मैटर करता है तुम बना सकती हो टिकटॉक इतने अच्छे बनाती हो तुमने ना टिकटॉक का लिंक क्यों नहीं दिया डिस्क्रिप्शन में मेरे समझ से बाहर है प्रिया मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया मैं फिर ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रिया का टिकटॉक का लिंक है डू गो एंड फॉलो हर प्रिया बहुत टिकटॉक बनाती है मैं अश्योर कर मेरी बारी है ना अब हो गए कुछ बता दो खिड़कियों के बजने से बजता है खड़क सिंह के बजने से खड़कती हैं खिड़कियां ये एक्चुअली ऐसे होता है कि खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है सही है ये मैंने उल्टा लिख दिया अच्छा खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह के खड़कने से खड़क
से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खड़क खड़क हो गया सब नहीं आता कुछ। तो तुम गलत भी बोलोगी तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो फिर तुम्हें नहीं आता तो फिर तुम दूसरा पूछ यार लेते, पता वैसे नहीं ही मैंने चले क्या होंगे। लिखा था, पता नहीं मैंने बिल्कुल उल्टा लिखा था। तुम बोलो, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। हो गया ये लास्ट इट है ना, आई गेस इजीएस्ट। फासले का फालसा। फासले का फालसा, फासले अच्छा का फाल, फासले का फासला क्या है, फासले का फासला नहीं, फासले का फालसा, फासले। अच्छा चलो पूछो, यार मैं हार गई हूँ, ये मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। अच्छा चलो तुम तुमने बोलो, शायद दो गलत किए, तीन गलत किए, शायद तीन किए। याद नहीं मुझे, चलो छोड़ो तुम बोलो, मैं हार गई हूँ। तुमने सारे सही बताए प्रिया, एक दो गलत बताए हैं। हाँ दो ही गलत। तुमने मुझसे अभी सिर्फ दो क्वेश्चन ही किए हैं, इक्वल है हम दोनों के, मेरा एक रह गया है, मेरा एक रहता है ना। तुमने शुरू में स्टार्ट किया था तो आखिरी मेरा होना चाहिए था ना। हाँ तो फिर मैंने सारी कर दी है, ठीक है चलो ठीक है, तुम नहीं बोल पाई ना, तो लास्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ठीक क्वेश्चन पूछो। क्या पूछूं, वो क्वेश्चन मुझे भी बता यार, कॉमन सेंस। पूछो यार, लोग बेताब हैं मेरे बारे में जानने के लिए। तुम अब मेरे पास कुछ है ही तो नहीं पूछने छोड़ के लिए। अगर तुम्हारे दिमाग से ये थॉट चला जाए कि तुम्हें हेट कमेंट्स नहीं आएंगे तो तुम टिकटॉक अपलोड करोगे, अपना अकाउंट प्राइवेट पब्लिक करोगे? तो नहीं, मैं तब भी नहीं करूंगी बस। यार मुझे मसला ना यार, मैं इसमें पढ़ना ही नहीं चाहती, एक पता नहीं टिकटॉक पे क्या क्या चल रहा होता है, मुझे नहीं आना टिकटॉक पे। तुम बहुत अच्छी हो टिकटॉक पे, मैं सिर्फ तुम्हारी पोस्ट पे कमेंट करने के लिए टिकटॉक पे आई हूँ। मैंने रिसेंटली टिकटॉक डाउनलोड करा है और फिर मुझे पता चला टिकटॉक बंद हो रहा है, फिर प्रिया ने इतनी अफवाह फैलाई कि टिकटॉक बंद हो रहा है, फिर मैंने जब कैरी मुनाइटी की वीडियो देखी तो भी मुझे लगा टिकटॉक बंद हो रहा है, फिर टिकटॉक बंद नहीं हुआ। वो अफा नहीं थी, वो क्या था कि जो है ना टिकटॉक की रेटिंग हो गई थी 1.1 या फिर 1.2 हो गई थी, वो लाइक बंद होने ही वाला था, लेकिन जो है ना जो गूगल ने रिव्यूज डिलीट कर दी 1 मिलियन या फिर 1 बिलियन प्लस। तो चेटिंग हुई है ना यूट्यूब के साथ, लेकिन अच्छी बात है, अच्छी बात है। नहीं बंद, लेकिन मैं कहती हूँ कुछ लोगों की वजह ना टिकटॉक सच में बंद हो जाता है, इतनी हॉरिबल वीडियोस भी कुछ लोग पोस्ट करते हैं ना कि उनके अकाउंट सस्पेंड हो जाने चाहिए, लेकिन नहीं होते, द सैड पार्ट इज। तो भैया मुझे एक क्वेश्चन करना था तुमसे, कि मैंने मेरे को आया नहीं है फिर भी करना है। सुना है, मैंने सुना है कि तुम पहले इंडिया में रहते, क्या मैं पहले इंडिया में रहती थी, मैंने ये सुना है। सुनाई नहीं दे रहा, एक बार फिर से बोलो। बिल्कुल मैंने सुना है कि तुम पहले इंडिया में रहती थी, तो सही सुना है। मुझे बताओ कुछ इस बारे में, क्योंकि मैं बहुत शॉक हुई थी कि प्रिया इंडिया से आई है। एक तो एक नई बच्ची आती है हमारी क्लास में, एक नया वो चल रहा था कि प्रिया आ रही है, और नाम देखो जरा ना, प्रिया। हम कह रहे हैं अबे प्रियंका चोपड़ा की छोटी बहन आ रही है, प्रिया आ रही है, हम मतलब वो पागल हो पड़े थे, हमने प्रिया आ रही है, प्रिया आ रही है। ऊपर से मालविका की दोस्त, तो हमने कहा यार गोना बी अमेजिंग, बहुत मजा आने वाला, प्रिया आई तो प्रिया है, प्रिया मुझे बता रही थी कैसे पर वो मैं देख के कह रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैंने कहा नॉर्मल सी बता लड़की थी ना, रही थी कैसे ना, तुम ना जल्दी से स्कूल फिर ज्वाइन कर मैंने लो। इस बारे में जाना कि प्रिया टिकटॉक बनाती है, तो मुझे हुई क्यूरियोसिटी, उनका प्रिया क्या टिकटॉक बनाती है, प्रिया क्लास में ऐसी होती थी ना, आई वुड बी लाइक ये टिकटॉक कैसे बनाती है, और फिर मुझे मेरी दोस्तों ने टिकटॉक भेजे, मुझे यार शी सो गुड एट इट, ये क्लास में क्या कर रही है, और एक हम लोग क्लास में होते थे, अल्लाह ये सर्वर वाली हरकतें,
और सब मुझे देखे गए थे, मैं ये क्या सोच रही हूँ कि हमारे बारे में फैला देना है, नई बच्ची आई है। बट इट्स एन अमेजिंग टाइम यार, आई मिस स्कूल। I also miss schools. आज कल जो तो पता चली हो तुम चली, तुम्हारा मैंने मामा बेबी केयर देखा। अबे तुम क्यों मेरी बायोग्राफी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब जान रही हो? याद आया ना अभी तुम्हें देख के, मुझे याद आया हम लोग हमारी वैन में स्टेजेस लाई थी, मैंने कहा अरे मामा बेबी केयर, सब मुझे देख रहे हैं ये पागल हो गई है, ये क्या कह रही है मामा बेबी केयर। तो तुम्हारा वो था मॉन्टेसरी है ना, मुझे याद है, मुझे देर मेरी मेमोरी इतनी अच्छी है, हम लोग बायो लैब फिजिक्स लैब में थे शायद, और आमना शार्मा था। याद हूँ कौन सी मॉन्टेसरी में पढ़ती थी। हाँ तो प्रिया इंडिका के बारे में बताओ मुझे, मैं बहुत ईगर हूँ जानने। अच्छा इंडिया में जो है ना हम लोग 5 साल रहे थे, इंडिया में अहमदाबाद में रहे थे हम लोग, फिर हम दिल्ली घूमने गए थे। दिल्ली में हमने वो लाल घाट देखा था, लाल किला होता है ना, देखा था, और गेट ऑफ इंडिया देखा था। क्या आप कभी किसी बॉलीवुड एक्टर से मिली? देखो अगर मैं मुंबई जाती तो श्योर करके मिलती बहुत सारे एक्टर से, मुझे बहुत शौक था, मैं पापा को बोलती थी कि मुंबई चलते हैं मुंबई चलते हैं, लेकिन जो है ना हम कुछ फैमिली इश्यूज के वजह से नहीं जा पाए तो ना, लेकिन जेठालाल वाले आए थे थोड़ी देर के लिए अहमदाबाद में, लेकिन कम आए थे तो हम लोग सिर्फ उनसे मिली थी। प्रिया तुम सब आए थे तो ज्यादा नहीं आए थे, कुछ ही आए थे तो आए थे उनसे मिली थी। मैं इतना भी तो मौका नहीं गवाऊंगी। Hey guys, thank you so much for watching the video. I hope you all liked it. It was a beautiful collab and I personally loved it. I had a great time doing this challenge with her. So, okay guys, तो प्रिया के चैनल के लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में हैं, और प्रिया के टिकटॉक का भी लिंक है, बहुत सारी चीज़ों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सो डू गो एंड सब्सक्राइब टू हर चैनल, एंड टिकटॉक उसको ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, और स्नैपचैट पे भी कर लीजिएगा, और जो जो दिए हुए हैं उस पर कर लीजिएगा, और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, गो एंड सब्सक्राइब फॉर हिलेरियस अपडेट्स, गो एंड सब्सक्राइब। अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है बट आएगा, सो गो एंड सब्सक्राइब यार, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बटन ऑल्सो, और कॉमेंट तो करना नहीं भूलते ना, डू गो एंड कॉमेंट, और मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताएगा कि इस वीडियो में सबसे अच्छा आप लोगों को क्या लगा, बिकॉज प्रिया और मैंने बहुत सारी बातें भी करी, बिकॉज वी डू नॉट टॉक ऑन कॉल्स ऑफन, हम सिर्फ मैसेजिंग पे ऐसी ही बात कर लेते हैं, तो आई गॉट टू नो मैनी मैनी थिंग्स अबाउट प्रिया, सो इट वॉज लवली, आई लव्ड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, आई होप यू ऑल एन्जॉयड इट। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।